दोनों हाथों को उठा के कह दे या अली। और जरा बुलंद आवाज से सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, ऐसा लगे कि आप सैयदा सहरा के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। मखदूमाए कायनात के बेटे का दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे औलादे गौसे आजम। इन अशार के साथ के नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क़े अली, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। और कासिम साहब आपके हवाले एक शेर, यही वजह है जो मेरा मकान बाकी है। और या गाजी अब्बास, करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मलाल मत करना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है। الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین و سبط من الاسبات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام شعراء اسلام اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل حضرت سیدی سید عبدالصمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے عنوان شہید اعظم کانفرنس سے رکھا ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم سرد ہے اور سردی بڑھتی جا رہی ہے، اور اب رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، اس لیے بہت دیر تک آپ سے کوئی گفتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا اللہ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شخصیات کو جانچنے کے لیے، شخصیات کو پرکھنے کے لیے، شخصیات کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ لگانے کے لیے، ان کے لیے ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کا انداز زندگی، ان کا انداز بندگی، ان کی فکر، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی سخاوت، ان کا نسب، ان کا حسب، ان کی اعلیٰ ظرفی، ان ساری چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار انقلابی لوگ آئے ہیں، کسی نے
रोटी कपड़े मकान के हवाले से इंकलाब बपा किया, लेकिन उनका इंकलाब उतने ही दिनों तक महदूद रहा जब तक वो मौजूद रहे। लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो फिर उनके इंकलाबी नारे भी गए, उनकी फिक्र भी गई, उनके अफकारों नजरियात भी गए। दुनिया के अंदर इंकलाबी आते रहे जाते रहे और कयामत तक आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन कायनात के अंदर ऐसा एक इंकलाबी भी हमें नजर आता है, अल्लाह अकबर, जिसकी कोई मिसाल नजर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, कैसा वो इनकलाबी है और उसका इनकलाब कैसा है। अल्लाह अकबर, जब वो इनकलाबी तशरीफ न लाया था तो लोग माओ की गोद में शराब पीते थे। जब वो इनकलाबी जमीन पर ना आया था लोग कमजोरों पे जुल्म करते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था, अल्लाह अकबर, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था लोग जानवरों के साथ जिना करते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था लोग औरतों को जुए में हार देते थे। जब वो इंकलाबी दुनिया में ना आया था, अल्लाह हु अकबर, लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। और मशीयत को, अल्लाह हु अकबर, इंसानियत पर रहम आया और अल्लाह ने एक ऐसा इंकलाबी दुनिया में जलवागर फरमाया कि जब वो इंकलाबी आया, अल्लाह हु अकबर, आमिना की गोद में अब्दुल्ला का लखते जिगर बनकर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, जिसको दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है, अल्लाह हु अकबर, वो तशरीफ लाए और 23 साल की कलील मुद्दत में नंगे होके काबे का तवाफ करने वाली कौम को इतनी हया अता फरमाई कि अल्लाह हु अकबर, उनकी हया को देख करके कवारी लड़कियों ने हया का तसव्वुर हासिल किया। नमक और काफूर में फर्क न करने वाली कौम को खुदा की पहचान अता की, अल्लाह हु अकबर, खुदा की मारिफत अता की, शराब पीने वालों को मोहब्बत इलाही का शरबत का जाम अता फरमा दिया। अल्लाह हु अकबर, दुनिया पुकारने पे मजबूर हो गई, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अंदाजा फरमाए, मुर्दों को जिंदा करना ये हजरत ईसा का मौजजा है। मुर्दों को मसीहा बना देना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मौजजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा। इसलिए कि मुर्दा जिंदा होकर फिर किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई मुर्दे को मसीहा बना दे तो फिर वो भी लोगों को जिंदा करने लगता है। ये मुस्तफा जान रहमत का मौजजा है। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसीलिए इकबाल कहते हैं, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मैं तमीदी गुफ्तगु आपको याद रखनी होगी। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के रसूल का इनकलाब था। क्या हुआ, नाप तौल में कमी खत्म हो गई। अल्लाह हु अकबर, ऊंटनी पर आका अपने गुलाम को सवार करवा रहा है, ये इंकलाब है हुजूर का। अल्लाह हु अकबर, जब बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों की यतीम बच्चियों की परवरिश करने लगे हैं, ये इंकलाब है अल्लाह के रसूल का, ये इंकलाब है मुस्तफा जान रहमत का। शराब गंदलियों में नालियों में बहा दी गई है, अब कोई शराब को हाथ नहीं लगा रहा है, ये इंकलाब है मुस्तफा जाने रहमत का। मगर याद रखें, कहते हैं ना कि बहार जब आती है तो अल्लाह हु अकबर खिजा लाने की कोशिश की जाती है, चमन जब सजता है तो उजाड़ने की कोशिश की जाती है, खुशियों को नजर बद लगाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह हु अकबर, ये हसीन इंकलाब था जो तारीख के अनमिट नकूश में कयामत तक बाकी रहेगा और रहेगा इंशाल्लाह।
इसलिए कि अभी आपने जो है वो अजीज से हजरत सैयदी काफी मुरादाबादी का शेर उनका कलाम सुना, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, कोई रहे ना रहे मुस्तफा जाने रहमत का दीन बाकी रहेगा और क्या रहेगा। अल्लाह अकबर कहते हैं सफना, वो कहते हैं बड़े मजे में फरमाते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ये कलाम किसने लिखा है मेरी कौम के जवानों, और कब लिखा है? लिखा उसने है जिसने हिंदुस्तान को आजाद करने की ठानी थी और मुल्क को आजाद कराने के लिए जिसे फांसी दी जा रही थी, कहा गया था आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहा आखिरी ख्वाहिश ये है कि नबी और आले नबी की शान में कलम चला दिया जाए। तो पता चला कि जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया है उनके लहू में इश्के नबी और इश्के आले नबी मौजूद था, उनके अकायद वो थे जिसकी तर्जुमानी 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई है। औरों के हाल तो जुदा थे। अल्लाह अकबर तो अर्ज ये कर रहा था कि जब वो इनकलाब आया तो शैतान को एक नजर न भाया, और उस इनकलाब को अभी अल्लाह अकबर 60 साल भी न बीते थे कि एक पलीद पैदा हुआ, सारी पलीदियों की जड़, सारी गंदगियों की जड़। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस्तेलाह बन जाती है, तवज्जो आपकी, अगर आपको मुश्किल नहीं हो रहा तो आप तवज्जो फरमाएं, इसलिए कि उनवान मुश्किल देते हो और आप मुश्किल सुनना नहीं चाहते तो ये कोई इंसाफ नहीं। आप तवज्जो फरमाएं, मुश्किल मुश्किल अल्लाह अकबर उनवान देकर मुश्किल बात ना सुनना ये कोई इंसाफ नहीं। कुछ चीजें इस्तेलाह बन जाती है, जैसे फिरौन, जब फिरौन कह दिया गया मतलब शराबी भी, जानी भी, पलीद भी, जालिम भी, जाबिर भी, ये सब नमरूद इस्तेलाह है, फिरौन इस्तेलाह। किसी फिरौन को भी फिरौन कह दो तो वो नाराज होता है ना। तो ऐसे ही एक इस्तेलाह है जो हिजरत के 60वें साल के बाद जाहिर हुई। एक शख्स था उसका नाम यजीद था, आवारगी, गंदगी, पापीपन, शराब, यानी कि जितनी चीजें जमाने जाहिलियत की थी उन सब को प्रमोट करने का मंसूबा, और हुकूमत के तख्त पर खुद साख्तगी के साथ बैठा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की शान ये है कि वो अपने दौर के इतने बड़े मुफक्किर, मुदब्बिर और दूरंदेश है कि और लोगों की नजर यजीद के किरदार के हवाले से 3 साल के बाद जहां पहुंची दौरे ताबईन में, इमाम अली मकाम ने उसको बहुत बरसों पहले महसूस कर लिया था। आप गौर फरमाएं, और इमाम हुसैन के मुतालिक ये जो बात कही जाती है कि वो हुकूमत के लिए जा रहे थे, हमने कहा नादान, जब गरीब नवाज को हुकूमत नहीं चाहिए तो गरीब नवाज तो गदाए हुसैन है, गरीब नवाज तो शहजादा हुसैन है, अरे इससे बढ़कर माहौल की साजगारी क्या हो सकती थी। अल्लाह अकबर के गौरी को बुला के कहते कि इसको कत्ल करो और तुम बादशाह बनो, तो गरीब नवाज खुद कत्ल नहीं कर सकते थे, बुलाया क्यों? तो बता रहे हैं हम बादशाह बनने के लालची नहीं हैं, हम तो किंग मेकर हैं।
हम तो बादशाह बनाने वाले हैं, हमें बादशाह से क्या लेना देना। आप अंदाजा करें, गौर फरमाएं, जिसे ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर तैयार करे उसकी नजर में दुनिया इतने हैच है, तो जिसको रसूलुल्लाह ने तैयार किया हो और वो भी किस शान से तैयार किया हो, अल्लाह अकबर, सिर्फ निगाह डाल दे तो लोग बदल जाते हैं। लेकिन मेरे नबी ने जो इमाम हुसैन को तैयार किया था, पहले ही दिन जिस दिन इमाम की विलादत हुई है उसी दिन इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया है, और गोद में लेकर अल्लाह अकबर, अरे घुटनी देने का ये अंदाज कहीं और भी देखा है, इस मोहब्बत की जलवा करी तो कोई देखे। अल्लाह अकबर, घुटनी देने वाला जब घुटनी देता है, घुटनी का मतलब बच्चे को जो पहली गिजा दी जाती है, कोई खजूर चबा के देता है, कोई शहद लगा कर देता है, अल्लाह अकबर, लेकिन देते किस तरह है, उंगली में शहद लिया लेकर के मुंह में डाल दिया, अल्लाह अकबर, खजूर चबाया चबा कर मुंह में डाल दिया, लेकिन जमीन के ऊपर ये घुटनी कैसे दी जा रही है और किस शान से दी जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने मखदूमाए कायनात सैयदाए कायनात के शहजादे को इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी जबान को इमाम हुसैन के मुंह में दाखिल कर दिया। वो जबान क्या है? मेरे इमाम कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, वो ज़बाने रिसालत रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन के मुंह में दी, और हुसैन पाक नाना की ज़बान मुंह में लेकर ऐसे चूसने लगे जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता है। माँ के दूध से पहले जिसे रसूलुल्लाह की ज़बान चूसने का शरफ नसीब हुआ हो। आखिर लोग देख रहे हैं हुजूर मुंह में ज़बान देकर घुट्टी दे रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं क्या हो रहा है, हुजूर जबान से अपने सीने के रास को, उलूम को, मारिफत को इमाम हुसैन के सीने में मुंतकिल फरमाए। अंदाजा फरमाए क्यों? क्योंकि काम बड़ा लेना था तो जात भी बड़ी बनानी थी, काम बड़ा लेना था जात भी बड़ी बनानी थी। इनकलाब हुजूर ने पैदा किया था, हुजूर की निगाह नबूवत देख रही थी इस इनकलाब को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी, तो वो यजीद पलीद अपने दौर का कमीना इंसान जब रसूलुल्लाह के दीन पे शबखों मारेगा तो उसके पैदा होने से पहले अल्लाह ने इस जात को पैदा किया। मतलब क्या? अंधेरे की पैदाइश से पहले उजाला पैदा हो रहा है, गंदगी की पैदाइश से पहले पाकिजगी पैदा हो रही है। अंदाजा फरमाए, बदबू के पैदा होने से पहले खुशबू पैदा की जा रही है, बातिल के पैदा होने से पहले हक का इंतजाम किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, और फिर इमाम को जिस मकसद के लिए तैयार किया गया था और किस शान से तैयार किया गया था, देखें इनकलाब पैदा करने वाला बेमिसाल, अब उस इनकलाब को बचाने वाला भी तो कोई बेमिसाल चाहिए। उसे पैदा कहां करेंगे? तवज्जो फरमाएं, उसे पैदा कहां करेंगे? भाई किसी और के घर में पैदा हो तो बेमिसाल तो नहीं हो सकता, इसलिए कि बेमिसाल होने के लिए फिर बेमिसाल मां चाहिए, बेमिसाल बाप चाहिए, बेमिसाल खानदान चाहिए, बेमिसाल खून चाहिए, बेमिसाल दूध चाहिए, यही तो है ना। लेकिन भाई जब अगर किसी और खानदान में ये शहजादा पैदा होता तो बेमिसाल कहां होता, क्योंकि नबी की अम्मी की तरह किसी की अम्मी नहीं। तो इनकलाबी बेमिसाल है, नबी इनकलाब, नबी ये इनकलाब की अम्मी आमिना है, अब आमिना की तरह कोई नहीं, तो इनकलाब बचाने वाले की अम्मी भी आमिना की तरह होना चाहिए। और अगर आमिना की तरह होती तो कोई कहता कि रसूलुल्लाह की अम्मी की तरह तो फुला की अम्मी है, माजअल्लाह कोई बदबख्त ये कहता, लेकिन आमिना जैसी कोई खातून नहीं हो सकती। आप क्या समझे सैयद आमिना को? सर्दी है और इसका एहसास है, रात चली गई है, इसलिए मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप क्या समझे सैयद आमिना को?
सैयदा अमीना खातून को आप समझे क्या? सूफिया कहते हैं कि जब दुआओं की कबूलियत में ताखीर हो तो रसूलुल्लाह की अम्मी का वसीला दे करके दुआ करो, रसूलुल्लाह के बाबा का वसीला दे के दुआ करो और तुम्हारी दुआ फौरन कबूल होगी। इसलिए कि बताओ, जब गौसे आजम को पैदा करने के लिए इतने अच्छे माँ बाप का इंतखाब किया जाता है तो रसूल आजम को पैदा करने के लिए बाप कैसा होगा और माँ कितनी अजीब होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाप होने के एतबार से हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई बाप नहीं और माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना जैसी कोई माँ नहीं है। समझा क्या है हजरत आमिना? इतना समझो, अगर साइंस पढ़े हुए नौजवान लड़के या बच्चियां यहाँ मौजूद है तो उनको बताता हूँ कि साइंसदान कहते हैं और ये उनकी तहकीक है कि जब अल्लाह ताला सीप के अंदर, सदफ के अंदर मोती पैदा करना चाहता है तो क्या होता है पता है? सीप का मुंह, सीप जो होती है सदब जिसको कहते हैं, मुंह बंद रहता है उसका और वो समुंदर के अंदर होती है। लेकिन समुंदर में होकर भी समुंदर का पानी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि अगर दाखिल हो गया तो मोती कैसे बनेगा। तो कुदरत ये करती है कि जब उस सदफ में मोती पैदा करना हो तो फिर उसको समुंदर की तह पर लाया जाता है, फिर उसमें पानी का कतरा गिराया जाता है, वो समंदर का नहीं होता, वो आसमान से गिरता है। फिर सीप अपना मुंह बंद कर लेती है, मुंह बंद कर फिर अंदर चली जाती है और फिर उसी से मोती पैदा होता है। आप गौर करें, करोड़ों अरबों खरबों मन टन पानी उस सदफ में जा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर मोती पैदा करना हो। आप अंदाजा फरमाएं, जिस सदफ के पेट से मोती पैदा करना हो अल्लाह पाक समुंदर में रख कर भी उसको पानी से शान से हिफाजत अता फरमाता है। गौर करें, जिस सदफ के पेट से मोती पैदा करना हो मशीयत उसकी इतनी हिफाजत करती है और जिस शिकम से अपना महबूब पैदा करना हो कुदरत ने उसकी हिफाजत कैसे की? वाह वाह, क्या तहारत होगी, क्या पाकिस की होगी, क्या किरदार होगा। ये नबी की अम्मी जान है, नबी के बाबा जान है और जमाने में माँ होने के इतिबार से कोई आमिना की तरह हो नहीं सकता। तो इनकलाब को बचाने के लिए जो पैदा होगा उसकी माँ आमिना की तरह होनी चाहिए और वो हो नहीं सकती मगर हो गई, इसलिए कि आमिना के बेटे से पैदा हुई, हजरती आमिना के बेटे से पैदा हुई। और वो कौन थी? वो थी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा और हुजूर ने उनका लकब दिया था उम्मे उम्मे अबीहा, तू मेरी माँ जैसी है, तू मेरी माँ जैसी है। क्योंकि रसूलुल्लाह की अम्मी को लोगों ने नहीं देखा, रसूलुल्लाह की अम्मी होने के थे ज्यादा दिन तक की हयात ही ना रही, इसलिए उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी जिंदगी किसी को मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं तो हुजूर ने क्या फरमाया? फातिमा उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा, ये अपने बाप की माँ की तरह है। यानी अगर किरदार आमिना देखना है तो फातिमा को देख लो और फातिमा को देखना है तो आमिना को देखो। ये किरदार है, ये शान है। तो अल्लाह पाक ने ऐसी हस्ती को पैदा करने के लिए ऐसी माँ और बाबा मौला अली जैसा और नाना रसूलुल्लाह जैसा और नानी खदीजतुल कुबरा जैसी और फिर उस इनकलाबी को हुजूर ने तैयार किया, अपनी जबान चुसाकर, अपने कंधों पे बिठाकर, अपने अखलाक से मुजयन करके, अपने किरदार से मुजयन करके और फिर इमाम अली मकाम उस इनकलाब के तहफ्फुज के लिए तैयार किए गए। बस अपनी गुफ्तगू को बेंड की तरफ पहुंचाते हुए, जब उस इनकलाब को बचाने के लिए इमाम मैदान में आए तब लोगों को समझ में आया कि इमाम किस हस्ती का नाम है। इमाम हुसैन इमाम जमाना है, इमाम हुसैन इमाम जमाना है। कुरान सिफत बयान करता है जमाने के अजीम तरीन मोमिन की, वल असर जमाने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे में है,
क्या सब घाटे में है? नहीं, तफरीक कर दी। इल्लल्लदीना आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक, और वो हक पर कायम रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करते रहे। अब अंदाजा फरमाएं, जिस इमाम आली मकाम का जिक्र करते हो, जिनका जश्न मनाते हो, जिनको शहीद आजम कहकर जिनके नारे लगाते हो, जिन पर तन मन धन कुर्बान करने की बात करते हो, मुसलमानों याद रखो, ये वो मोहब्बत है जो इंशाल्लाह हमें जन्नत तक ले जाएगी। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने बहु शफाअत की फिक्र से, याद रखना, जो आले रसूल की मोहब्बत दिलों में है, अहलुल बैत की मोहब्बत दिलों में है, ये तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अंदाजा फरमाएं, एक मकाम पर यहां भी यहां तक फरमाया कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं उसकी भी शफाअत करूंगा, उसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है। लेकिन ए हुसैनियों, ए अली वालों, ए पंजतनियों, ए सहाबा खुलफाए राशिदीन को मानने वालों, वो रसूलुल्लाह का इंकलाब जब उसको आग लगाने की उस पलीद ने मुनज्जम तौर पर कोशिश की, तो उस वक्त इमाम आली मकाम चैन से नहीं बैठे, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, मुस्तरीब हो गए। मतलब क्या? गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा दिल के कानों से सुनना, इसलिए कि फिर कहता हूँ, जलसों का मकसद यही है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? अल्लाह अकबर, कलेमा पढ़ने के बाद जब लोगों को दीन से दूर करने की कोशिश की जा रही थी, शराब को, जुए को प्रमोट किया जा रहा था, बेनमाजीपन को प्रमोट किया जा रहा था, दीन से लोगों को बदगुमान करने की कोशिश की जा रही थी, बातिल को हक में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त इमाम आली मकाम ने क्या स्टैंड लिया? आपने क्या फैसला किया? अल्लाह अकबर, मैं मदीने की राहतें छोड़कर, मदीने मुनव्वरा की राहतें छोड़कर करबला के तपते हुए रेगजार पर जाऊंगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, हुसैनियत हलवे का नाम नहीं, हुसैनियत अल्लाह अकबर राहतों का नाम नहीं, हुसैनियत ऐश पसंदी का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ नारेबाजियों का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ रस्म और रिवाज का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ अपने नफ, बल्कि हुसैनियत अपने नफ्स पे अमल का नाम नहीं। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है, निकल कर खानकाहों से, अदा कर रस्म शब्बीरी। हुसैनियत ये है, अगर दीन पर वक्त आया हो तो अपना खून लुटा करके अल्लाह का दीन बचाया जाए। हुसैनियत नाम इसका है, एक तरफ शरीयत बचाना हो और एक तरफ बेटा बचाना हो तो हम शबीए पैगंबर जैसा बेटा दांव पे लगाकर खुदा की शरीयत बचा ली जाए, ये हुसैनियत है। याद रखना, बड़ी माजरत के साथ, जुमले तलख लगे तो माफ कर देना, अल्लाह अकबर, हुसैनियत को नाड़े कड़े और शरबत में तौलने वालों, अभी शरबत इतने कीमती नहीं हुए हैं कि खून हुसैन का बदला बन सके, खून हुसैन को उसके बदले में तौल सको। वल्लाह, पूरी कायनात को एक पल्ले में रख दो सबका खून, और खून हुसैन का कतरा एक पल्ले में रख, इसलिए किसी का खून खून हुसैन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि खून हुसैन में खून मुस्तफा मौजूद है। इमाम आली मकाम उस इंकलाब को जो रसूलुल्लाह ने पैदा किया था उसको बचाने वाले अजीम दानिश्वर का नाम है। अब हम काफले हुसैनी के रुकन बने हैं या काफले यजीद के रुकन बने? यजीद से बहुत नफरत है ना हमें? मेरी कौम के जवानों बताओ, और होना भी चाहिए, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी इश्क मुस्तफा है वो यजीद से कोई हमदर्दी रख ही नहीं सकता। यजीद पलीद है, कमीना है, सारी गंदगियों की जड़ है यजीद। जब यजीद का नाम आता है तो हमारे जज्बात फिर काबू में नहीं रहते, मगर हम पाबंद है फिक्र रजा की, हम पाबंद है अपने उलमा के, हम पाबंद है अपने फुकहा के, जो वो नजरियात के, एहसासात के, इसलिए कि हम ना नफरत में शरीयत को फलांग सकते हैं, ना मोहब्बत में शरीयत को फलांग सकते हैं। हम हर वक्त हुदूदुल्लाह के पाबंद, अल्लाह की हदों के पाबंद है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, यजीद से नफरत है? बिल्कुल होनी चाहिए।
इमाम हुसैन से मोहब्बत है, उस मोहब्बत की दावत तो रसूलुल्लाह ने दी है। लेकिन पूछता हूं, दो सालार हैं बजाहिर, एक हक का सालार एक बातिल का, दोनों काफले दुनिया में चल रहे हैं, आप रुकन किसके हैं, हम रुकन किसके हैं? तो सब कहेंगे इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन के। हमने कहा उसके लिए कुछ दलीलें होती, उसके लिए कुछ अफकार होते हैं, उसके लिए कुछ नजरियात होते हैं। बताओ इमाम हुसैन के काफले में बेनमाजी को कैसे एंट्री दी जाएगी? आप नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, बेनमाजियों को यजीदी कह के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह के जाऊंगा मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में कि काफले हुसैनी में यजीदियों को एंट्री नहीं, बेनमाजियों को एंट्री नहीं दी जा सकती, क्योंकि इमाम हुसैन के काफले में बच्चा बच्चा नमाजी था, अल्लाह अकबर, फर्द फर्द नमाजी था, अल्लाह अल्लाह, बंदा बंदा नमाजी था, बल्कि लोगों को जब जख्मी होकर के अपनी जान की पड़ी होती है उस वक्त भी इमाम हुसैन ने जख्मों से आहो बुका करने की बजाय अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में रखकर बता दिया कि हमको जान से उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी अल्लाह के सजदे से मोहब्बत है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिद वीरान करके इमाम हुसैन के काफले में कैसे शामिल हो सकते हो? सालारे सालारे काफला इमाम हुसैन है, वो तुम्हें अपने काफले में कैसे शामिल करेंगे? बड़ी माजरत के साथ ये जुमला भी तल को लगे तो माफ कर दे, माफ इसलिए तलब कर रहा हूं कि लोगों के दिल को तकलीफ हो जाती है कभी कभी। याद रखना, आपका और मेरा पीर भी हमें काफले हुसैनी में उस वक्त तक शामिल नहीं कर सकते। जुमला याद रखना, आप किससे मुरीद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर करें, आपका मेरा पीर भी हमें काफले हुसैनी में उस वक्त तक शामिल नहीं कर सकते जब तक इमाम हुसैन ना चाहे, क्योंकि आपका पीर भी पाबंद है इमाम हुसैन के, मेरा पीर भी पाबंद है इमाम हुसैन का। अगर इमाम हुसैन ना चाहे तो आपका पीर मेरा उस्ताद आपका उस्ताद कोई भी हमें काफले हुसैनी में शामिल सिर्फ इमाम हुसैन की इजाजत से आप हो सकते हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इमाम आली मकाम को तो नफरत बेनमाजी से थी, फिर बताइए जो लोग जुमा भी नहीं पढ़ते और फिर वो सोचते कि हम हुसैनियत में हैं और हम हुसैनी रहेंगे। याद रखिएगा, अगर कोई बंदा आपके गाँव में आकर कहे कि मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ तो आप कहेंगे पागल हो गए, हंसेंगे आप, क्यों? इसलिए कि ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है? उसकी कोई दलील होती है, कोई सनद होती है, उसके कुछ तकाजे होते हैं। मेरे अजीज, जब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ दलीलें और कुछ शराइत चाहिए तो फिर मोमिन कामिल बनने के लिए भी तो कुछ तकाजे हैं, कुछ शराइत हैं। ये क्या हो रहा है? नमाजें तर्क हो रही है, बल्कि अफसोस की बात यह है जिस दिन जलसा करते हो उस दिन जलसे में भी ना मगरिब पढ़ के आते हो, ना ऐशा पढ़ के आते हो और ना जा करके फजर पढ़ते हो। बताओ, और याद रखो, आप और हम हाथ चुमने चुमवाने से खुश हो सकते हैं, इमाम हुसैन को इससे खुशी नहीं हो सकती। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, जब मुसलमान गुनाह करता है तो कब्रे अनवर में वो रसूलुल्लाह को दुखी करता है, हुजूर को रंजीदा करता है, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। अब मुझे बताओ, नमाज़ें तर्क करके इमाम हुसैन के नाना का दिल दुखाओगे और हुसैन पाक तुम्हें दामन में छुपाएंगे? याद रखना, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो मेरी कौम के जवानों। आप और हम मस्जिदों को वीरान करने के लिए नहीं है, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जवान इबादत करके इबादत, अल्लाह ने उन जवानों को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता की है। आका फरमाते जैसे नबियों को लोगों पर, रसूलों को लोगों पर फजीलत हासिल है, ऐसे इबादत करने वाले जवानों को बूढ़ों पर फजीलत हासिल। जवानी की इबादत इतनी कीमती है। अफसोस क्या हो गया, हुसैनी बनने के लिए आप हाथों में कड़े पहनना चाहते हैं? कड़ों का क्या हुक्म है ये मुफ्तियाने किराम बताएंगे, लेकिन मैं तो एक आम सा आदमी, आपसे भी मेरा इल्मी तकाबुल कुछ नहीं, मैं आपसे भी गिरा पड़ा आदमी, सुन्नियत में सबसे निचले और आखिरी दर्जे का इंसान हूं। इस उम्मीद पर घूम रहा हूं कि खात्मा बिल खैर की सआदत नसीब हो जाए, बस और कुछ नहीं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है, आसान नहीं है, मरने के बाद पछताओगे, तुम्हें जो लोग बरगला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अफसोस है, सुन्नी होकर के मातम करोगे? जिंदों का भी कोई मातम होता है?
बताओ बुरा लगता है उलमा रहनुमाई करते करते, ये दो कौड़ी का मौलवी क्या जाने। अगर मौलवी नहीं जानता तो फिर कोई कुछ नहीं जानता। कोई डॉक्टर की उतनी औकात और हैसियत नहीं है जो आलिम रब्बानी की है। डॉक्टर की इज्जत और अजमत अपनी जगह, मुझको हकीर नहीं कह रहे। डॉक्टर इंसान की किताब पढ़कर डॉक्टर बना है, आलिम अल्लाह की किताब पढ़कर के आलिम बना है। सारी कागज की डिग्रियां कब्रों के बाहर रहेगी और ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी। दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी को खुदा के लिए जाए मत करो। आप जानते हैं जवानी में गुनाह से बचने का इनाम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जवान जवानी में गुनाह से महफूज रहता है अल्लाह उसको 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। सिद्दीक का दर्जा वली से भी बड़ा है, सिद्दीक का दर्जा शहीद से भी बड़ा है। जो जवानी में गुनाह से बच जाए खुदा उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। क्या समझ रहे हो? लोगों ने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की, तुम्हारी फिक्र को अगवा करने की कोशिश की, क्योंकि लोग जानते हैं जिस कौम का जवान बिगड़ जाए उस कौम को फिर कभी उरूज नसीब नहीं हो सकता, वो कौम कभी तरक्की नहीं पा सकती। अगर तुम्हें कौम का दर्द है, उम्मत का दर्द है, कभी सोचो ना मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो। तुम ताश के पत्ते खेलोगे, तुम जुआ खेलोगे, तो बताओ इस उम्मत को तरक्की के रास्ते पे कौन लेकर के जाएगा? नौजवान सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं है, पूरी मिल्लत का सरमाया है, पूरी कौम का सरमाया है। अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, इमाम हुसैन को आइडियल बनाओ, इमाम आली मकाम को आइडियल बनाओ। यजीद के काफिले में मत जाओ, यजीद के काफिले पे लानत करके वहां से निकलो और काफिले हुसैनी के रुकन बनो। याद रखना, आपको कोई कुछ भी बोले, अगर आप किरदार के एतबार से हुसैनी है, इमाम हुसैन की नजरे करम आप पर है। मेरे भाइयों बताओ, जवानी चली जाएगी, देखते देखते चली जाएगी, जल्दी जल्दी चली जाएगी। हाँ हाँ, 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40-50 साल पे जवानी खत्म होती है, उसके बाद फिर घुटने दुखेंगे, फिर कमर दुखेगी, आंखों की रोशनी जाएगी। आज कहा जाता है नमाज पढ़ो, तो क्या सोचते हो मौलाना जब बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे? मेरे अजीज, आज जब बूढ़े हो जाओगे तो शायद दर्द पढ़ने न दे, शायद कर्ब पढ़ने न दे, शायद घुटनों की तकलीफ पढ़ने न दे। अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई निकल जाओ, इस खोल से निकलो, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो। ये जो जुआ खेल रहे हो, आप बताएं क्या हुसैनी जुआ खेल सकता है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व तस्लीम के गुलामों, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मैंने कई जगह बयान किया, आप भी सुन लें, कि जिसने जुआ खेला, जुआ कयामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के सूअर के खून में रंगे होंगे। तुम्हें सूअर के नाम से नफरत आती है? आना भी चाहिए। सूअर बद जानवर है, गंदा जानवर है, गलाजत में फिरता है। सुपर के नाम से नफरत करने वालों, आज जुआ खेल रहे हो, मोबाइल पर क्या क्या कर रहे हो, सुअर के खून में हाथ रंगे होंगे। इमाम हुसैन से मुसाफा कर सकोगे कयामत में? अपने नबी से मुसाफा कर सकोगे कयामत में? बताओ, पछताओगे? सिर्फ पछताओगे। ये जो आप मीठी नींद सो रहे हो ना कि हम जन्नत में जाएंगे और हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह करे तुम सब जाओ, तुम्हारे सत्ते हम भी जाएं। लेकिन जो कयामत के दिन जिसके हाथ जुए की वजह से सूअर के खून में रंगे हो, जन्नत में कैसे जाओगे? कोई देखे ना देखे, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। हम हुसैनी होके नशा कैसे कर सकते? नशे को प्रमोट किया जाए। देखो, दुनिया अच्छी तरह जानती है कि मुस्लिम जवानों के पास सबसे ज्यादा टैलेंट है। जब मुसलमान पढ़ता है कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता, मुसलमान तिजारत करे कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता, मुसलमान सियासत करे कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता। आपसे पूछता हूं, आपने इतना बड़ा जलसा किया, मैं आप सब कमेटी वालों को सलाम करता हूं। आप बताओ, आपके गाँव में मकतब कितने चलते हैं जिसमें बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए? कोई जवाब दे सकते हैं? जहां जहां से आए मुझे बताओ, कितने मकतब चलाते हैं आप लोग?
उलमाए किराम में से मैं रहनुमाई चाहता हूँ, इस गांव में कितने मकतब चलते कुरान पढ़ाने के लिए? कोई मकतब नहीं है, कोई मकतब नहीं, कोई मदरसा नहीं है। क्या मतलब है, क्या मतलब है, मतलब क्या है? आप मुझे बताओ, अगर तुम्हारे गांव के अंदर कोई मकतब नहीं चलता तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा जनाजा पढ़ सकेगा? तुम्हारा क्या कर रहे हो, लाखों रुपए खर्च करते हो जलसे पे? मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसा करने का, लेकिन जितना जलसे पे करते हो उसका आधा मकतब पे करोगे ना तो तुम्हारे बच्चे सही कुरान पढ़ लेंगे। अपने बच्चों पे जुल्म कर रहे हो, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? बुजुर्गों ने फरमाया, जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, मरने के बाद वो अंधा उठाया जाएगा कयामत में। कब तक शोबाजी में डूबे रहोगे? अगर अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, ये जलसे आपको बख्शवा नहीं सकेंगे। शायद कोई मुकर्रर ये बात ना कह सके, इसलिए कि जिन्होंने पेशा बनाया है तकरीर को, वो ये कहने की हिम्मत करें ना करें, वरना हम तो लानत करते उस फिक्र पर कि रसूलुल्लाह के नाम को बेचा जाए। आइंदा रमजान शरीफ आने के बाद आपकी जिम्मेदारी है पहले मकतब कायम करें, वरना तुम्हारे यहां तुम्हें मरने के बाद कोई गुस्ल नहीं देने वाला होगा सही, आखिरी गुस्ल भी सही नसीब नहीं होगा। पहला गुस्ल तो पता नहीं दाई ने कैसा दिया, खुदा जाने, कम से कम अल्लाह के हुजूर तो अच्छा गुस्ल करके जाने के काबिल बनो। मैं कोसने नहीं आया, ये मेरे दिल का दर्द है जो आने वालों से मैं कह रहा हूं। आज सब जनाजा पढ़ेंगे, आपके जनाजे में कोई जनाजे की दुआ याद नहीं होगी आपके बच्चों को, आपके पोतों को? वो पाक नहीं होंगे। सोचो मरने के बाद कितना पछताओगे, तड़पोगे, लेकिन मौका जा चुका होगा, हाथ से मौका जा चुका होगा। इल्म की तरफ पेशकदमी करो, जलसों पे जलसा करो, लाखों खर्च मत करो, जलसों का खर्च कम करो, तालीम पे खर्च करो, मदरसा बनाओ और नई दालूम बना, मकतब बनाओ भाई अच्छा कुरान। और एक बात बताता हूं, मकतब बनाकर किसी नाजरा खां को मत रख देना, जो खुद ही कुरान सही नहीं पढ़ना जानता, खाला अम्मा को मत रख देना, किसी जो वो गांव में जो कोई काम के काबिल नहीं उसको मत रख देना। क्यों? इसलिए कि जब बच्चों को कोचिंग पढ़ाना होता है, ट्यूशन में भेजना होता है, तो बोलते हैं सबसे अच्छा कोच कहाँ मिलेगा, सबसे अच्छा ट्यूशन पढ़ाने वाला कहाँ मिलेगा। इंसान की किताब पढ़ाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हो, अल्लाह की किताब पढ़ाने के लिए 500-1000 रुपए काम चला दोगे? नहीं, बेहतरीन कारी कुरान रखो, जो मखरज के साथ कुरान पढ़ना जानता हो, पढ़ाना जानता हो, ताकि आपका बच्चा बच्चा कुरान सही पढ़ सके। सोचो ना, मरने के बाद आप बताओ, अगर सब जनाजा पढ़े और आपका बेटा जनाजा ना पढ़े, कितनी दर्दनाक सूरत है। आप हुसैनी कहते हैं, मैं बाप से पूछता हूं, इमाम हुसैन के घर में अनपढ़ कौन है बता? मेरा चैलेंज है, अनपढ़ तो किसी का बाप भी नहीं बता सकता। ये बात मैं शुक्र के साथ फख्र से कह रहा हूं, इमाम हुसैन का घराना वो है जितने उनके घर के बेटियां और बेटे हैं, सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, अपने जमाने के सबसे बड़े पढ़े लिखे। वाह 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 वाह। अब मैं आपके सामने वो वरक खोलना चाहता हूं, और याद रखना, सैयद होने के एतबार से असबियत में नहीं कह रहा हूं, वल्ला हम असबियत पे लानत करते हैं, लेकिन आपको बताऊं, इमाम हुसैन के घर में जो पढ़े हुए थे उस दौर में उन जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। आइए देख लीजिए, अल्लाह अकबर, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनसे बड़ा दौरे ताबईन में आपको पढ़ा लिखा मिले तो बताइए। उसके बाद इमाम बाकिर, इनका नाम बाकिर नहीं है, इनको बाकिर कहा जाता है? बाकिर का माना कभी सोचा? इनका नाम मोहम्मद है, इनको बाकिर क्यों कहते हैं? बाकिर कहने की वजह ये है, बाकिर कहते हैं पोस्टमार्टम करने वाले को, पीएम करने वाले, चीर फाड़ करने वाले। भाई ये चीर फाड़ करना क्या फजीलत हुई? बाकिर बाकिर कह रहे हो, चीर फाड़ करने वाला, चीर फाड़ करने वाला, कभी सोचा ये चीर फाड़ करने वाला क्यों कहते हैं? जब इमाम मोहम्मद बाकिर के सामने कोई मसला पेश किया जाता तो इतनी बारीकियों से उसको समझा देते कि लोग कहते हैं इन्होंने तो मसले का पोस्टमार्टम कर दिया, इसका जो है वो चीर फाड़ करके रख दिया, यानी दाएं बाएं सुगरा कबरा हत्या औसत सब के सब समझा करके रख दिया।
दिया। अल्लाह अकबर, ये बाकी रे बाकी। उसके बाद इमाम जाफर सादिक को देखो, अल्लाह अल्लाह, करोड़ों हनफियों का इमाम, दादा अली हुजवेरी का इमाम, गरीब नवाज का इमाम, महबूब इलाही का इमाम, जिसके पास इल्म की खैरात हासिल करने जाता है, इमाम आजम अबू हनीफा, उससे जितना इमाम जाफर सादिक की जात। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अरे मर्द तो मर्द है, मर्द तो मर्द है। इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं अबू इसहाक, इमाम जाफर सादिक के बेटे अल्लाह के अबू इसहाक, उनकी बीवी है सैयदा नफीसा मिस्री, इमाम जाफर सादिक की बहू है। और ये नफीसा मिस्री कौन है पता है? ये हुसैनी खानदान की बहू है और इमाम हसन के घर की बेटी है, जिसे दुनिया नफीसा मिस्री के नफीसतुल इल्म। अपने शौहर के साथ मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके मिस्र आई। जब मिस्र आई तो इमाम शाफई जैसे लोग पर्दे के पीछे बैठकर इनसे मसाइल हासिल करते थे और इल्म हासिल करते थे। मुश्तहीदे मुतलक को पढ़ाने वाली नबी के घर की बेटी है, नबी के घर की बहू है, हम क्या जाने। उन्होंने इल्म पे इतनी मेहनत की। फिर उसके बाद इमाम अली रजा को देखें, वो इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, लोग भागते फिरते थे हदीस सुनने के लिए इमाम अली रज़ा से। और वो जो सनद आती है कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील अलैहि सलाम ने हुजूर से कहा, हुजूर ने मौला अली से कहा, मौला अली ने इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकी से कहा, इमाम बाकी ने इमाम जाफर से, इमाम जाफर ने इमाम मूसा काज़िम से, मूसा काज़िम ने अली रज़ा से। फरमाते इतनी सनद पढ़कर, आला हज़रत लिख रहे हैं, इतनी सनद पढ़कर किसी पागल के कान में दम कर दो तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। इसको इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी लिखा है। क्या नबी, इमाम अली रज़ा इतने बड़े आलिम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, ये सब आलिम। और आखिरी में जो सैयद पैदा होगा जिसे इमाम महदी कहते हैं, वो भी इतने बड़े आलिम होंगे कि बड़े बड़े लोग उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, हत्ता के सैयदना ईसा अलैहि सलाम भी उनकी इमामत पर मोहर तस्दीक सब्त करने के लिए उनके पीछे खड़े होंगे। आप क्या समझते हैं, आपके पास क्या इल्म है, हमारे पास क्या इल्म है? याद रखना, ये जलसे वो आवाज है, ये जलसे तवज्जो करना, बुरा मत माना, ये जलसा एक ख्वाब है, ख्वाब जैसे ख्वाब देखते हैं उसके बाद खत्म हो जाए, बिल्कुल जलसे बेमाना भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल बेमाना है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई फायदा नहीं होता तो मैं घर छोड़ के यहाँ आता क्यों, फायदा है। यही गुफ्तगू सुन के तो इनकलाब आएगा ना, इंशाल्लाह आएगा, तब्दीली आएगी, आ रही है। अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुन के तब्दीली आ रही, बड़े बड़े बुजुर्गों की, ये तो जलसों ने जो इनकलाब हिंदुस्तान को आजाद कराया, जलसों ने आजाद कराया, जुलूस नहीं है, ये बिल्कुल बेअसर नहीं है। जो लोग बिल्कुल गुलू करते हैं कि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, उसे कहते हैं कि आप घर बैठे कोई फायदा नहीं, हिंदुस्तान आजाद हुआ है जलसे जुलूसों से, इनकलाब आया जलसे जुलूसों से, और भी पूरी तारीख है जलसे जुलूसों की। लेकिन आपको ये कहता हूँ, मुअस्सिर बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल इसको गालियां ना दे लेकिन इसको मुअस्सिर बनाए। इमाम मुफ्ती अहमद यार खान नईवी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कफील भाई कहा कि अगर मस्जिद में कुत्ता घुस जाए तो मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुत्ते को निकालने की जरूरत है। तो ऐसे ही अगर जलसों के अंदर जो है वो कोई गंदगी घुस गई है तो जलसे बंद करने की जरूरत नहीं है, जलसों से गंदगी निकालने की, ये बात है ना। हाँ, तो बिल्कुल भी जलसों को कोसने की कोशिश ना करें। लेकिन आपसे ये कहता हूँ, जलसा है ख्वाब की तरह। ख्वाब का क्या मतलब हुआ? ख्वाब का मतलब ये कि आपने ख्वाब अच्छा देखा तो आप खुश होते हैं, ख्वाब बुरा देखे आप तो आप गमगीन होते हैं। लेकिन अच्छा ख्वाब हो या बुरा ख्वाब हो, ख्वाब होता बहरहाल ख्वाब है ना। जब आपने आंख बंद की ख्वाब देखा, आंख खुली ख्वाब खत्म। लेकिन अब अगर ख्वाब सच्चा है तो उसकी ताबीर भी अच्छी होती है। तो ऐसे ही जलसा अगर अच्छा करोगे ना तो उसका नतीजा भी अच्छा निकलेगा। लेकिन ये बहुत देर तक इसका असर नहीं रहता। अगर इसके पीछे अमल का जज्बा कार फरमा ना हो तो ये अल्फाज हवा में तहलील होकर के खत्म हो जाएंगे, बहुत देर तक इसके असरात नहीं रहेंगे। तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, अगर काफले हुसैनी में शमूलियत चाहते हो, तौबा करो गुनाह से, नमाजी बनो, नशे से तौबा करो। इसलिए कि नशे करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व तस्लीम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि वो कयामत के दिन सुअर और बंदर की शक्ल में उठेंगे। सुअर और बंदर, तौबा करो, बदलो, जिंदगी में इंकलाब पैदा कर, औरतों पर बदनजरी ना करो, जिना की तरफ ना जाओ,
अल्लाह अकबर। हदीसे पाक में आता है कि जिसने दुनिया में एक बार भी जिना किया और सच्ची तौबा किए बगैर मर गया, अल्लाह पाक ने हजरत मूसा से कहा, ऐ मूसा जो जिना करके मरेगा मैं उसको आग का, जहन्नम की आग का बना हुआ लिबास पहनाऊंगा, और वो लिबास जहन्नम की आग का इतना वजनी होगा अगर वो किसी पहाड़ पे रखा जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए, जानी को अल्लाह जहन्नम का वो लिबास पहनाएगा कि पहाड़ भी उसके उसके वजन की वजह से रेजा रेजा हो जाएगा। जहां पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, हमारा ये नाजुक सा वजूद जो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये नाजुक सा वजूद जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आप पे रहम कर लो। बहुत दिन तक के रंगरेलियां मनाने का मौका नहीं मिलेगा, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा। हर मुजरिम को मेरा अल्लाह उसके किए की सजा अता करता है, उसका इरशाद है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। देखो यजीद ने कितना नंगा नाच किया, अल्लाह अकबर, काबे पे पत्थर बरसवा दिए, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवा दिए, मस्जिद नबी में 3 दिन तक नमाज बंद करवा दी अपनी हुक्मरानी से, वो दहशतगर्दी की। लेकिन जब यजीद मरा तो कितनी इबरत की मौत मरा। मरने के बाद उसका लाशा ढूंढा जाता था, रिवायतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं इकदुल फरीद से पढ़ रहा हूं ये रिवायत। इकदुल फरीद में है, यजीद के मरने के बाद कई दिन तक उसकी लाश ढूंढी गई, नहीं मिली। जब मिली शिकारियों को और लकड़हारों को तो उसकी लाश में कीड़े चल रहे थे, कीड़े। अल्लाह के दीन का जो मजाक उड़ाएगा वह इबरत बनेगा। इसलिए जवानी का मिसयूज मत करो, जवानी का गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह ने जवानी दी है, औरतों पे पाप की नजर डालने के लिए नहीं दी है, और नजरों की हिफाजत के लिए दी है। जवानी दी है रात के 3-3 बजे तक जग करके मोबाइल पर गेम खेलने के लिए नहीं दी है, बल्कि इबादत करने के लिए दी है। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ की आदत बनाओ, बदलो जिंदगी में, इनकलाब पैदा करो जिंदगी में, तब्दीली पैदा करो। अरे हुर यजीद के काफले में था, लेकिन जब हुर वापस आए और इमाम से माफी तलब की तो आज हुर कितनी इज्जत के साथ सो रहे हैं। मेरे इमाम ने हुर को कितनी इज्जत अता की, कितना वकार अता किया कि अब जब भी करबला का जिक्र होता है तो शहीदों में जिक्र हुसैन बाद में होता है, हुर का जिक्र पहले होता है। इमाम ने कितनी इज्जत अता की। आओ हम भी इमाम से माफी तलब करें और यजीदियत के खेमे से निकले। ये जो किरदार, आप यजीद को नहीं मानते मुझे पता है, आप यजीद को पसंद नहीं करते मुझे पता है, लेकिन किरदार के एतबार से जो यजीदी किरदार इख्तियार कर रखा है, ये जुआ, ये शराब, ये सट्टा, ये औरतों पे बदनजरी, जिना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, इन सबसे तौबा कर लो। और बस एंड पर आखिरी बात, तौबा करो, मायूस मत होना। अल्लाह का फरमान है, कितना भी पापी तौबा करे, कितना भी पापी, अल्लाह उसको बख्श देता है, उसको माफ कर देता है। मेरे भाइयों, कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह पाक ने उसको माफ किया। बस तौबा सच्ची हो। हदीस पाक में आता है कि एक शख्स पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारती, पूरी जिंदगी, और उसके बाद जब उसकी मौत का वक्त आया तो अपने बच्चों से कहने लगा, मेरे बच्चों, मेरे बेटो, तुमने मेरी हर बात मानी, एक काम करना, जब मुझे मौत आए तो मेरा हुक्म मानना कि मेरे गले में रस्सी डालना और मेरे मुंह को इधर उधर फिराना और जमीन पे रगड़ना और बाद में मुझे जला देना और जला कर मेरी राख को पानी में बहा देना, हवा में उड़ा देना, ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब और हिसाब देने से बच जाऊं। उसने अपने हिसाब से सोचा, हालांकि ऐसा नहीं है, कोई पानी में बह जाए राख, अल्लाह फिर भी उसको जिंदा करेगा। किसी को शेर खा ले, अल्लाह उसको फिर भी जिंदा करेगा। किसी को कीड़े खा ले, अल्लाह उनके पेट से निकाल के अल्लाह उसको जिंदा करेगा। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है।
जिसने पहली मर्तबा पैदा करना जिसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, दूसरी बार पैदा करना उसको क्या मुश्किल है? जो कुन कहकर आसमान बनाता है, कुन कहकर जमीन बनाता है, कुन कहकर सूरज चांद सब बनाता है, उसको क्या मुश्किल है? उसने तो अपने अंदाज में सारी राख उड़वा दी, बहा दी, सब कुछ बिखेर दिया। अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, जमा कर उसकी राख। राख जमा की गई, अल्लाह ने उसको पैदा किया और पूछा, बंदे बता तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की वजह क्या थी? उस बंदे ने कहा, मौला सिर्फ तेरे खौफ से किया कि मैं तेरी बारगाह में जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता था, हौसला नहीं रखता था मौला, बस इसका इसलिए मैंने ऐसा किया, तुझसे डर के किया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, मेरे अल्लाह ने फरमाया तू मुझसे डरा जा, मैंने तुझे बख्श दिया। उसकी बख्शिश हो गई। मेरे भाइयों तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए। जलसे इसलिए नहीं भीड़ जमा करें, शोर शराबा करें, घर चले जाएं, जलसे इसलिए बदलें, जिंदगी बदलें। मेरे भाइयों हमें नहीं पता आपको मौत कब आएगी, हमें कब आएगी नहीं पता। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, हमारी दुआएं। अल्लाह आपकी नस्लों को लंबी उम्र दे, हमारी नस्लों को हमारी दुआएं। लेकिन आपसे कहता हूं, कल की बात करते हो, पल की खबर नहीं। पता नहीं बैठे बैठे इंतकाल हो गया, बोलते बोलते इंतकाल हो गया, चलते चलते इंतकाल हो गया, पछताओगे। हदीस पाक में आता है मेरे भाइयों, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा मर जाता है, इंतकाल करता है, लोग रोते हैं, तो रोने वालों को वो बंदा कहता है, मुझ पे मत रो, अपने आमाल पे रो, क्योंकि दुनिया ने मुझे धोखा दिया। मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि दुनिया तुमको धोखा ना दे। मैं गाफिल रहा, तुम गाफिल मत रहो। मैंने अपने आप को बर्बाद किया, तुम अपने आप को बर्बाद मत करो। इसलिए जिंदगी का मकसद बनाओ, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इमाम आली मकाम अहलुल बैत की सच्ची मोहब्बत असहाब की ताजीम और एहतराम के साथ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। आप जाएंगे नहीं इसलिए कि शायद मुझे पता चला है कि कुछ नात खां हज़रात बाकी है, वो भी मेहमान है, तो वो उनको पढ़ लेने दें। देखिए मेहमान सब होते हैं, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। और ये जो नात खां लोग होते हैं ना, ये मामूली लोग नहीं होते। अगर कोई नात खुलूस से पढ़े तो हुजूर खुलूस से नात पढ़ने वालों को अपना दीदार कराते हैं। और हुजूर जब नात पढ़ी जाती थी तो खुद अल्लाह के रसूल जब वो सहाबा के साथ फर्श पे बैठते थे और हसन बिन साबित को मिंबर पे खड़ा करते थे। इसलिए नात खानों का एहतराम किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आइए एक कलाम हसन रजा नौशाही, इंशाल्लाह उसके बाद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीअल अहवाल वल आफात व तक्दीलना बिहा जमीअल हाजात व तक्दीलना बिहा जमीअल हाजात व तक्दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअस सैयात व तरफउना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायात मिन जमीअल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा या ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة। يا الله يا رحمن يا رحيم ہماری اس محفل کو قبول فرما لے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے। ए अल्लाह तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गुनहगार सियाहकार बदकार इसियां शियार हम ही लोग हैं मौला, मगर तू गफ्फार है। ए अल्लाह जब तुझसे कोई माफी मांगता है तो तू उसको माफ करता है। मौला हमारी अब तक की पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, आने वाली सुबह पता नहीं हम कहाँ होंगे। मौला तेरे महबूब का वास्ता हम सब की मगफिरत कर दे, हम सबको माफ कर दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत कर दे। अल्लाह अगर तू हमसे नाराज है तो तेरे महबूब के सदके में तेरे हबीब का वास्ता तू हम सबसे राजी हो जाए। मौला तू हम सबसे राजी हो जाए, तेरे हबीब को हमसे राजी कर दे। मौला हमें नमाजी बना दे। ए अल्लाह अगर तू चाहे हम बदल जाएंगे,
मौला जलसे हमें बदल नहीं सकते मगर तू तो बदल सकता है ना मौला। मौला हम सबको बदल दे, हमारी जिंदगियों में इंकलाब पैदा कर दे, हमारे बच्चों को बदल दे, हमारी बच्चियों को बदल दे, सबको नेक बना दे मौला। मौला सबको नेक बना दे मौला, सबके दिलों में गुनाहों से नफरत पैदा कर दे मौला। या अल्लाह हमारे जवानों को शराब जुए बेनमाजीपन हर बुरे कामों से बचा ले मौला। या अल्लाह सबके दिलों में दीनी गैरत पैदा कर दे, दीनी हमीयत पैदा कर दे, सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे, सबको नेक बना दे, सबको बीवी बच्चों के हकूक अदा करने की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह तू करीम करम कर दे मौला। मौला तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल का जज्बा अता कर। मौला अजान हो ऐसी बेकरारी दे मौला जब तक नमाज न पढ़े चैन न मिले। या अल्लाह हजार तमन्नाओं की तमन्ना ये है जब तक जिंदगी दे ईमान और सुन्नियत पर दे, जब मौत दे तो ईमान और सुन्नियत पर दे, जो बीमार है उन सबको शिफा दे दे। या अल्लाह मेरे आका अली सलाम का कोई भी उम्मती मर्द और औरत बीमार है सबको शिफा दे दे। या अल्लाह बड़ी बड़ी खबीज बीमारियों से हमारी हमारे बच्चों की माँ बाप की भाइयों की बहनों की हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक जिनके बच्चों को बच्चियों को रिश्ते नहीं हैं मखदूमा सैयदा फातिमा पाक के सदके, सरकार आमिना के सदके, अम्मा खदीजा अम्मा आयशा पाक के सदके, कौम के हर बेटा बेटी को अच्छे रिश्ते दे, सबको खुशगवार इस दवाजे जिंदगी दे। या अल्लाह पाक सबकी रोजियों में बरकतें अता फरमा, सबके रिज्क में बरकतें अता फरमा, सबको हराम रोजी से बचा हलाल रोजी नसीब फरमा, सबको अच्छी हलाल रोजी में बरकत अता फरमा, घरों में खैर बरकत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क खाजा के हिंदुस्तान को हर फसाद से बचा, हर फितने से बचा। मौला जो मांगे वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी तेरी शान के लायक अता फरमा। मौला इस जलसे में जिन लोगों ने इनेकाद के लिए मेहनत की, चंदा दिया, कोशिश की, काविश की, सबकी खिदमत कबूल कर ले, सबको बेहतर जजा दे। इलाही बहके बनी फातिमा के बर कौले इमां कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल منو دست دامان علی رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المادن الجود والکرم والی و اصحاب و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب کلمہ پڑھیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں، جو کلمہ شریف پڑھتا ہے اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ شریف پڑھتے پڑھیں، لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول اللہ۔ اب ایک اعلان سن لیں، آپ لوگوں نے رات کے سوا دو ڈھائی بجے تک ہم لوگوں کو اتنی اچھے سے سنا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھی مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ آپ کی محبتیں ہمیں بہت دنوں تک یاد رہے گی، لیکن اب آپ مجھے بتائیں اتنے ہزاروں لوگ، और अगर मैं एक आदमी हजारों लोग से मिलूंगा कितना वक्त लगेगा؟ फिर उसके बाद मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की बला को स्टेशन बनारस पहुंचना है، मुझे तो कल मेरा प्रोग्राम बनारस में है लेकिन मुझे भी उन्हीं के साथ जाना है، तो अगर मैं यहाँ लेट होता हूँ तो उनकी ट्रेन छूट जाएगी۔ आप चाहते हैं